सब खत्म हो जाएगा तब समझोगे का? तुम चाहते हो ना कि जग्गू जिंदा रहे, खुश रहे, तो ये हवेली जाके उसको छुड़वाने की जिद छोड़ दो हरीश। उन्हें भी हार मान ली ना बिंदी, करने लगी ना ही बस्ती वालों की तरह भाग। उस जल्लाद के डर ने बना दिया ना तुझको भी उसके हाथ की कठपुतली। पता चिकर के टुकड़े को उस हवेली पे कैसे छोड़ दे? छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? गए थे ना उसे छुड़वाने, क्या हुआ? तुम्हारी दोस्ती के लिए राका ने बलि दे दी अपने जिंदगी के 3 साल, वो भी तब जब रत्ना भाऊजी पेट से है। देख हरीश, अब तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी जग्गू बस्ती लौट के ना आ पाए। हम जग्गू को खोना नहीं चाहते हरीश। समझते, सब समझते हैं बिंदु। जग्गू के लिए तेरा प्यार और तेरी ममता का जो स्वार्थ है ना, उसने डरा दिया है तुझको। इसलिए तू उसकी तकलीफ देने वाली आजादी से ज्यादा उसको आराम देने वाली कैद की वकालत कर रही है। सब समझते? हाँ, हम डर गए हैं। काहे के हम समझ गए हैं कि चित्ता होने की औकात कहाँ है। हमारी हमारी हर सांस की खबर सरकार तक पहुंच जाती है। इसलिए हम तुम्हें अब ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जिससे तुम, जग्गू और बस्ती मुसीबत में आ जाए। भले इसके लिए हमें पैरी काहे ना काटने पड़े। चिलई, हमको ना बहुत याद आ रही है जग्गू की। चल काल उसको हवेली में बंद कर दिया है ना। चिलई, तुम तो आवाज लगाकर अपने बाकी दोस्तों को बोल सकती हो ना कि जग्गू का हाल पता करे तो मेरा दोस्तों उसको हवेली में भी तो जा सकता है ना। कहो ना, जुगत लगा के पता करो ना कि हमारी जग्गू कैसी है। अगर हम ना चुनमुन रही होते तो फिर से उठ जाते। हमको जल्दी पहुँच कर बाबू को खाना भी तो खिलाना है, रत्ना काके को खाना खिलाना है। दिल्ली मौजी कितना खुश होगी हमको देखकर। हम बाबा को बताएंगे कि कैसे हमने सरकार की शरत पूरी की। राम जी, ये रुपल्ली कहाँ गया?